हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद जक्की। आज हम बनाने वाले हैं चिकन अंगारा। चिकन अंगारा को ये नाम उसके स्मोकी अरोमा से मिला है और इसका फ्लेवर जो है वो बाकी चिकन ग्रेवी से अलग होने की वजह से ये डिश काफ़ी यूनिक हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस मज़ेदार रेसिपीज को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है कोथमीर चॉप, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर, और ये बादाम ले लिया मैंने 12 से 15, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ऑनियन 3 मीडियम साइज़ के जिसे मैंने ब्राउन करके रख लिया है, और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं अपने चिकन को। मैंने चिकन 1 किलो लिया है यहाँ पे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और सारे सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो ऐड कर लेती हूँ मैं। दही ऐड कर लेती हूँ। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके मिनिमम 30 मिनट्स या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। उसको ओवरनाइट रखने से बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। मैंने इसको 30 मिनट्स रखा है। यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया, उसमें टमाटर, बादाम और जो मैंने ब्राउन करके रख ली थी ऑनियन वो डाल के हम इसको मिक्स ग्राइंड करके पेस्ट बना के रख लेंगे साइड में। यहाँ मैंने पैन ले लिया है। पैन गरम होने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल में जो ऑनियन फ्राई कर लिया था वही ऑयल मैंने ले लिया है। अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ है चिकन, वो चिकन ऐड कर लेते हैं और अच्छे से इसे भून लेना है ऑयल छूटने तक। पाँच से छः मिनट हमें भून लेना है हाई फ्लेम पर। ये देखिए, ऑयल छूट चुका है। इसमें थोड़ा सा वाटर बाकी था, मैंने इसमें जो पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर लिया है। अगर आपके पास और वाटर नहीं रहेगा तब आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हो। और उसे अच्छे से मिक्स करना है और ऑयल छूटने तक हमें अच्छे से भून लेना है। इसको भी आप मीडियम फ्लेम पर ही भून सकते हो या फिर हाई फ्लेम पर, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। यहाँ पर अब हम इसमें मलाई ऐड कर लेते हैं। आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो, मैंने जिस इंग्रेडिएंट्स में आपको नहीं बताया था। यहाँ मैंने 2 बड़े स्पून मलाई ऐड कर ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी जो मैंने भूनकर उसे क्रश करके रख लिया था उसे ऐड कर लेते हैं। इसे बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट आता है भून के इसको क्रश करके डालने से। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको स्लो फ्लेम पे रख देना और साइड में हमें चारकोल को रेडी करना है स्मोक देने के लिए। ये देखिए, चारकोल ले लिया मैंने। इसको हम फायर में रख लेंगे। एक बाउल को इसमें, ये देखिए ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब बाउल को हम प्लेस कर देंगे उसमें और उसमें चारकोल रख लेंगे। उसमें 3 से 4 लौंग डाल लेंगे और 1/2 टीस्पून घी डाल देंगे और ढक्कन को, लीड को अच्छे से लगाकर कवर करके 5 मिनट तक छोड़ देते हैं, जिससे स्मोक पूरा अंदर तक रहे। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल को।
उसमें जो कोरिएंडर लीव्स है उसको ऐड कर लेंगे। उसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया, कितना अच्छा दिखने में भी कितना यम्मी लग रहा है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने मेरा चिकन अंगारे को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही यम्मी बनता है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे डिशेस को भी देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।